नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। केंद्र सरकार ने दिवाला कानून में किया संशोधन। केंद्र सरकार ने दिवाला कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान कर्ज भुगतान में असफलता के नए मामलों में दिवाला घोषित करने की प्रक्रिया नहीं शुरू करने का फैसला सुनाया गया है। देश में कोविड-19 के माहौल में 25 मार्च से बंद का माहौल जारी है, जिसके बाद 25 मार्च से 6 महीने तक कर्ज भुगतान में चूक या डिफॉल्ट के नए मामलों में दिवाला घोषित नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। इस कदम से कंपनियों को काफी ज्यादा राहत मिलने की जताई गई है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से और उसके बाद लागू राष्ट्रव्यापी बंद से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से प्रभावित है। जारी किए गए नए संशोधन में यह साफ तौर पर कहा गया है कि 25 मार्च 2020 या उसके बाद डिफॉल्ट के किसी मामले में 6 महीने या उससे आगे दिवाला घोषित नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि किसी कॉरपोरेट कर्जदार के खिलाफ उपरोक्त अवधि के दौरान कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत आवेदन भी नहीं भरा जा सकता है। यूपीएससी ने जारी किया नया शेड्यूल। देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा बंद की शुरुआत की गई थी, जिसके दौरान सभी भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल भी कर दिया गया था। वहीं यूपीएससी परीक्षाओं को भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब बंद में मिल रही छूट के बीच यूपीएससी द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू की तारीख का भी ऐलान जारी कर दिया गया है। यूपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मुख्य परीक्षा 2019 के लिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए अभी जुलाई 2020 से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं इन इंटरव्यू का आयोजन करवाया जाएगा। इस पर यूपीएससी द्वारा किसी भी प्रकार की फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अब यूपीएससी द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर को किए जाने का फैसला सुनाया गया है। इससे पहले यह परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, मगर कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण और बंद को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच WHO ने फेस मास्क को लेकर दी जरूरी सलाह। दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मास्क को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि जब से कोविड-19 के इलाज को ढूंढ नहीं जाता तब तक लोगों से फेस मास्क के इस्तेमाल की अपील की गई थी, जिसके बाद अब WHO ने बीते दिन इस संबंध में नई सलाह जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है, वहां फेस मास्क जरूर पहनना जाना चाहिए। WHO ने यह भी कहा है कि सरकार को अपने नागरिकों को खासतौर पर उन इलाकों में फेस मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना चाहिए जहां संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा है और फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरकरार रख पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं WHO ने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी पहले से स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे लोगों को विशेषकर मास्क पहनने की सलाह दी है। हालांकि WHO ने यह भी साफ कहा है कि कोविड-19 के मामले में फेस मास्क पहनने से कोविड-19 के संक्रमण से पूरी तरीके से बचा नहीं जा सकता है। एयर इंडिया ने वंदे भारत के तीसरे चरण के लिए बुकिंग की प्रक्रिया की शुरू। एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत तीसरे चरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत तीसरे चरण में लगभग 300 फ्लाइट्स के लिए बुकिंग की प्रक्रिया करवाई जाएगी। यात्रियों की अत्याधुनिक मांग के कारण एयर इंडिया को 2 घंटे में व्यवसायी पर 6 करोड़ हिट मिले हैं। वहीं इसके साथ ही ऐसे भी यात्री थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि एयर इंडिया की वेबसाइट खुल नहीं रही है और शुरुआती कुछ घंटों में ही अधिकांश टिकट बिक चुके हैं। वैसे रेल यात्री भी हैं जहां पर उन्होंने इस बात को कहा है कि टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट काम नहीं कर रहे थे। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के दौरान 10 जून से 1 जुलाई के बीच यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए लगभग 300 उड़ानों का संचालन करने वाली है, जिसके तहत शुक्रवार को ट्विटर पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दे दी गई थी। साथ ही शाम 5 बजे से बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस बात की जानकारी भी साझा की गई थी। कोविड-19 की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना को करना होगा और थोड़ा इंतजार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए लाखों लाभार्थियों का इंतजार अभी और ज्यादा लंबा हो सकता है। कोविड-19 के चलते आवास योजना के तहत कई राज्यों के प्रस्ताव में देरी की आशंका जताई जा रही है। राज्य द्वारा अपने हिस्से की राशि न देने और केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि का निर्माण के लिए संबंधित विभाग को नहीं दिए जाने का मामला भी केंद्र सरकार के सामने आया है, जिस पर केंद्र सरकार सख्ती से पेश आ रही है। फिलहाल केंद्र सरकार योजनाओं की समीक्षा में जुट गया है। योजनाओं को धीरे धीरे गति देने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों की माने तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने राज्य के हिस्सों का अंशदान योजना के लिए नहीं किया था। वहीं यह भी कहा गया है कि कुछ राज्यों ने राज्य के कोष से केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि अभी तक आवास के लिए जारी नहीं की गई। इससे राज्य में योजना पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। 1 करोड़ रिक्शा चालकों की मदद का योजना बना रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक साइकिल रिक्शा चालकों पर गरीबों को कर्ज मुहैया करवाया जा रहा है, जिसके तहत रिक्शा का मालिकाना हक देने के लिए सरकार नियमों में कुछ बदलाव भी कर सकती है। सरकार के पास रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि के लिए भी लोगों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 साल पहले ही साइकिल रिक्शा चालकों के लिए रिक्शा योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। मंत्रालय को मिले फीडबैक के अनुसार जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा में पिछले साल में ई रिक्शा का पंजीकरण करवाया गया था।
वहीं दिल्ली में 1.5 लाख तो वहीं बंगाल में 1.25 लाख और असम में लाखों की संख्या में बिना लाइसेंस धारक ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रही है। 8 जून के बाद बड़े अनलॉक के होने की जताई गई संभावना। बंद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी अन्य परेशानी के अर्थव्यवस्था को वापस से तेजी से पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दूसरा बड़ा अनलॉक 8 जून के बाद जारी होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि देश को लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता है, बल्कि उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश में बंद लागू करने के पक्ष में नजर आए हैं, लेकिन CII के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि COVID-19 चाहे हमारी अर्थव्यवस्था धीमी कर रहा हो, मगर हम बंद को बहुत पीछे छोड़ा है और हम अनलॉक दौर में पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह को किनारे कर प्रधानमंत्री बिल्कुल नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। WHO ने की भारत के प्रयासों की तारीफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 के इस माहौल को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की सराहना की है, जिसके तहत WHO ने कहा है कि भारत में अभी COVID-19 के मामले में गुणात्मक वृद्धि देखने को नहीं मिली है, लेकिन ऐसा होने की संभावना लगातार बनी हुई है और इसलिए पूरी सावधानी बरतने की लगातार जरूरत है। भारत ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के घनी आबादी वाले अन्य देशों में भी अभी COVID-19 की स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई है, लेकिन ऐसा होने की संभावना लगातार बरकरार है। WHO के स्वास्थ्य आपदा कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल ने कहा है कि COVID-19 के मामले लगातार भारत में 3 सप्ताह में 2 गुने देखने को मिल रहे हैं और इस प्रकार इसमें गुणात्मक वृद्धि नहीं देखी गई है, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सामुदायिक स्तर पर COVID-19 का संक्रमण शुरू हो जाता है तो यह काफी तेजी से पहले की तरह ही फैलना शुरू कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। राहुल गांधी आए दिन केंद्र सरकार को COVID-19 के इस माहौल में निशाने पर लेते रहते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को विफल बताया है। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और इटली में बंद लगाने और उसे हटाने के बाद COVID-19 के मामले में लगातार कमी होने, लेकिन भारत में संक्रमण के लगातार मामले बढ़ने से संबंधित ग्राफ ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक विफल लॉकडाउन ऐसा दिखता है। आपको बता दें, देश में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर 24 घंटे में लगभग 10,000 मामले सामने आए हैं, वहीं 273 लोगों की जान भी चली गई है। संयुक्त राष्ट्र ने जुलाई महीने में टिड्डी दल के आने की जताई संभावना। कुछ दिनों पहले ही टिड्डियों ने भारत के कुछ राज्यों में किसानों की परेशानी बढ़ा दी थी, जिसके बाद अब भारत को एक बार फिर से जुलाई में इनका सामना करने की संभावना जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इस बात की संभावना जताई है, जिसके तहत 16 राज्यों में सतर्क रहने की अपील कर दी गई है। खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की नसीहत दी गई है, क्योंकि टिड्डियों ने सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में किसान को नुकसान पहुंचाया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भारत को सचेत करते हुए साफ कहा है कि मानसून से पहले मई में दक्षिण पश्चिमी में पाकिस्तान से राजस्थान में इनका दल पहुंचा और 1962 के बाद पहली बार टिड्डियों का दल उत्तरी राज्यों में पहुंचा है। राजस्थान के रेगिस्तान में मानसून की शुरुआत में अंडे देने के लिए लौटने से पहले टिड्डियों का दल पूर्व और पश्चिम की तरफ बढ़ेगा। वहीं जून में दक्षिण ईरान की तरफ से ये टिड्डियां भारत में पहुंच जाएंगी। इसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से जुलाई में इनके भारत में पहुंचने की संभावना जताई गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने पर CM अमरिंदर सिंह ने दिया जवाब। कुछ दिनों पहले ही खबर सुनने में आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। इसके साथ ही उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरें भी लगातार सुनने में आ रही थी। खबरों की माने तो यह कहा गया था कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए उन्होंने हाल ही में प्रशांत किशोर से बातचीत की है, जिसके बाद पंजाब में एक बार फिर से राजनीति जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान जारी किया है। उन्होंने सिद्धू की पार्टी को छोड़ने की खबर को पूरी तरह से गलत बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सिद्धू कांग्रेस पार्टी में खुश है और आम आदमी पार्टी में जाने की उनकी कोई योजना फिलहाल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में है, यह बात भी गलत है। इस बात की पुष्टि खुद प्रशांत किशोर ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आगे बताया कि प्रशांत किशोर उनके अच्छे दोस्त है और पार्टी के विधायक चाहते हैं कि वह चुनाव के लिए रणनीति बनाए। इस बार प्रशांत किशोर ने खुशी जाहिर की थी। वहीं इन सब के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी जोर शोर से मीडिया में देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अनलॉक 1 में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या दूसरे चरण में छूट देना सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।